अब लेसन नंबर 18 है, इसमें फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शन क्या होते हैं और इसका इंटरेक्शन क्या होता है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग पे। मतलब अगर फंक्शनलिस्ट रिसर्च इंसिस्ट ऑन ग्रेजुअल नेचर ऑफ इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सेनेटेक्टाइजेशन बट विद पॉसिबल री ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंस एट द सेम टाइम मोस्ट फंक्शनलिस्ट हैव डेवलप्ड अडॉप्टेड अ पैच अप्रोच वर्किंग ऑन ओवरऑल ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर। मतलब जैसे जैसे फंक्शंस, मतलब जो फंक्शंस होते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे हम देखते हैं चीज़ों का, इस चीज़ का ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, सब्जेक्ट का ये फंक्शन है, वर्ब का ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें नाउन का ये फंक्शन है, प्रोनाउन का ये फंक्शन है। जैसे जैसे फंक्शंस डेवलप होते जाते हैं हमारी क्वेरिंग अबिलिटी बढ़ती जाती है, हम वर्ड्स को बनाना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस बनना शुरू हो जाते हैं और लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब ये इजी वे है लैंग्वेज लर्निंग का। इनपुट एंड इंट्रैक्शंस इन सेकंड लैंग्वेज, मतलब इनपुट द मेन फोकस इज डायरेक्टली ऑन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल लैंग्वेज यूज इन प्रमोटिंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ इनपुट रिसीव्ड बाय सेकंड लैंग्वेज लर्नर। मतलब जैसे आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है, और आउटपुट से मतलब किसी पार्टनर के साथ आप कन्वर्सेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है और मैकेनिज्म चल रहा है, एक पूरा तरीका कार चल रहा है। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अगला बंदा आउटपुट भी इंग्लिश में दे रहा है, तो डेफिनेटली दोनों की लैंग्वेज सेम है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों इंटरेक्ट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। मतलब सेकंड लैंग्वेज में तब ही इजीनेस होती है, तब भी हमारे लिए इजी होती है जब आप अपनी बात दूसरों को इनपुट दें और आपको आउटपुट मिले। जब इनपुट और आउटपुट सेम होते हैं तो आपको इंट्रैक्शन हो रहा है, मेल जो रोल होता है आप समझ रहे होते हैं चीज़ों को। उसके बाद रूल ऑफ इनपुट इंट्रैक्शन फर्स्ट लैंग्वेज, वी कम टू नो दैट अडल्ट्स कॉमनली यूज स्पेशल स्पीच स्टाइल व्हेन टॉकिंग विद यंगर चिल्ड्रन। मतलब वही बात कर रहे हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम अपने से अबव लेवल में बात करेंगे तो डेफिनेटली इनपुट तो देंगे, आउटपुट नहीं मिलेगा। जिस तरह अगर आई एम ए टीचर, अगर मैं एक लो लेवल छोटी इंटरमीडिएट क्लास को पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ इनपुट मतलब दे रहा हूँ, मतलब कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ हायर लेवल का, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मुझे कोई चीज़ आउटपुट में ऐसे मिले। मे बी वो बच्चे समझे ना इस चीज़ को, और हमारा जो स्टाइल है, मेरा स्पीच स्टाइल या टॉकिंग स्टाइल अगले बंदे पिक ना कर सके, तो वो आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट नहीं मिलेगा, इंट्रैक्शंस नहीं होंगी, इंट्रैक्शंस नहीं होंगी, डेफिनेटली लैंग्वेज क्वेयर नहीं होगी। हाउएवर इंट्रैक्शनिस्ट्स आर कॉशियस अबाउट एनी पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडीएस टू लैंग्वेज एक्विजिशन, सम क्लियर फाइंडिंग विच आर ऑल्सो रेलिवेंट टू सेकंड लैंग्वेज सीडीएस। मोस्टली CDS studies were carried out in English speaking middle class family context development in such context semantically contingent also experiment। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनपुट एंड आउट इंट्रक्शन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में की रोल अदा करते हैं, जिनका आइडिया, अगर हम क्रॉस कल्चर की बात करें, मतलब हमारा कल्चर सेम नहीं है, क्रॉस कल्चर मतलब पाकिस्तान में कल्चर और है, इंडिया में और है, तो उस वाले से भी जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ एम्बिगुटीज़ क्रिएट होंगी। जब एम्बिगुटीज़ क्रिएट होंगी हम चीज़ों को पिक नहीं कर पाएंगे, चीज़ें पिक नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमारी लैंग्वेज बिल्ड नहीं होगी, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आउटपुट अच्छा मिलेगा, और हमारी इंट्रैक्शन यूजलेस हो जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगी। इसीलिए हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है, सोशल तौर पे मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है, लो क्लास है, जितनी भी डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश में दें और जो इंट्रैक्शन या जिसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है वो उर्दू पिक करना चाहता हो, तो इस तरह आपकी लैंग्वेज क्वायर नहीं होती, लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।